सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की फैमिली का AK-47 राइफल से रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2004-05 में बिहार से प्रकाशित अखबार मैगजीन के पन्ने पलटेंगे तो आपको आरजेडी के पूर्व सांसद रहे साहबुद्दीन और AK-47 राइफल से जुड़ी खबरें दिख जाएंगी। इत्तेफाक देखिए, अब मोहम्मद साहबुद्दीन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 17 साल बाद उनके बेटे ओसामा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा भी AK-47 राइफल से हुई फायरिंग से ही जुड़ा है। इससे पहले तेजाब कांड केस में भी ओसामा का नाम आया था, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। अब एमएलसी के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान ने कुछ ऐसा किया है जिससे AK-47 से मामला जुड़ गया है। दरअसल एमएलसी चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी और चर्चित खान ब्रदर्स के रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमले के मामले में साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब सहित कुल 8 लोगों पर रईस खान ने FIR दर्ज कराई है। इस मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव का भी नाम उछल गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस मामले में तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। दानिश ने कहा कि अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्होंने साजिश के तहत दिवंगत सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम घसीटा है। रिजवान ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वीडियो जारी कर हम के प्रवक्ता ने कहा है कि वे सिवान गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग सीएम नीतीश कुमार से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को फंसाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वे लोकप्रिय हो रहे थे, इससे सबसे ज्यादा डर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद को हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर कोई बड़ा युवा चेहरा पॉपुलर हो रहा है तो उससे तेजस्वी की राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। इस वजह से अपना राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साजिश के तहत नाम घसीटा है। वहीं सिवान के राजद विधायकों ने भी ओसामा साहब का समर्थन किया है। रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव ने लिखा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शाम क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वहीं सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सुनियोजित साजिशन ओसामा साहब को फंसाया जा रहा है, कोई ये न समझे कि वो अकेले हैं, उनके संग हम सब मजबूती से खड़े हैं। जेडीयू भाजपा अपने आपसी लड़ाई में आरजेडी नेताओं पर झूठे मुकदमे न ला दे, मामले को मनगढ़ंत ढंग से पेश किया जा रहा है। देखिए, सिवान गोलीकांड की हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। ये बात हकीकत है कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब को फंसाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो लोकप्रिय हो रहे थे उससे सबसे ज्यादा डर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर कोई बड़ा युवा चेहरा जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है उससे कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। इसलिए अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक साजिश के तहत इस मामले में ओसामा साहब के नाम को घसीटा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि इस गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि पूरा बिहार जानता है कि घटना के कई दिन पहले से ओसामा साहब हिंदुस्तान से बाहर है। इसलिए हम पुनः अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अविलंब सिवान गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और एक उभरते हुए युवा नेता के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जाए।